गाढ़ावारा में समस्याओं से जूझता आम नागरिक अपनी परेशानियों से तंग आकर आंदोलन या धरना प्रदर्शन की नौबत तक आ जाते हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि जनप्रतिनिधियों को आखिर चुना ही किस लिए है। हर समस्या के लिए जनता सड़कों पर आएगी तो जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण करने के लिए चुना है, वो सब क्यों है, उनके क्या उत्तरदायित्व है। इसी क्रम में चलते हुए गाढ़ावारा से बारहाबंडा जाने वाली रोड जो कि बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई है, गांव की अधिकतम आबादी का आना जाना है इसी मार्ग से होता है, उसके निर्माण के लिए पिछले कई सालों से आवाज उठाई जा रही है। कोई निराकरण न होने के कारण किसानों ग्रामवासियों के द्वारा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया, बहुत ही विवाद की स्थिति बनती नजर आई। जनप्रतिनिधि और किसान नेताओं के बीच में आपसी कहासुनी का माहौल बन गया। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। विशेष आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। आखिर में एक बात पर और चर्चा होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है। जब सभी कार्य आम जनता को करना है तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए। कोरा, आप कठौतिया से हैं जी जी, आपको कितनी परेशानी होती है इस रोड से निकलने के लिए? इतनी परेशानी होती है कि उसमें तो हाथ पैर सबके टूटते ही टूटते हैं, और जो लोग आते हैं तो बेइज्जती का तो घड़ा ही है, कहीं चले जाते ना कि कहाँ के हो कठौतिया के, अरे भैया जहर खा का मर जाइयो, मन भर रोड पर ना जाइयो जो, और वो भारी एक्सीडेंट होते हैं ना, अपन टेम्पर ब्रिएट अटेंड कर पाए ना, घर जा पाए, घर को चिंता होता। सर बोलेंगे अभी नहीं आए, ब्रिएट अटेंड नहीं किया, क्या करें, ट्रैफिक रहता है वहाँ पर, ट्रैक्टर नहीं जाते, बाइक नहीं जाती, साइकिल नहीं जाती, खच्चे ही में गिर गए, लिपट गए, घर चले गए, लौट कर चले गए। हम एक बात कह रहे हैं और ये मेरी बात है कि ये जल्दी से जल्दी किया जाए। अब हम भी भाई पार्टी के, रोड की दुर्दशा है उसको लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं आपके साथ बच्चे भी लोग आए ज्ञापन देने के लिए। आप क्षेत्र के विधायक हैं, आपकी भाजपा सरकार है, प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा है, क्या क्या कारण है? आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो इतने लोग परेशान हैं उससे ज़्यादा मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरी जवाबदारी है, मैं समझती हूँ और मैंने पूरा प्रयास किया। कांग्रेस की सरकार रही जब तक काम जितने भी दिए होते रहे, लेकिन भाजपा की सरकार आई है और इसके बाद जो विधायक बिक गए हैं, मैं चैनलों के माध्यम से कहती, जो विधायक नहीं बिके हैं उनके क्षेत्रों में काम सरकार नहीं करवा रही। इस शासन और प्रशासन की उदासीनता है। आज आप देख रहे हैं क्षेत्र में बाढ़िया से, गाढ़ावारा से बाढ़िया रोड की, मैंने कितने बार सीएम, जब मैंने गाढ़ा नरसिंहपुर में धरना दिया था तो धरना के बाद जब सीएम से मिले तो सीएम सामने मुझे आश्वासन दिया, मेरे सब पास व्हाट्सएप भी है कि आपकी मांग जल्दी पूरी होगी। आप बताइए जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस चीज़ का आश्वासन दे रहा और काम नहीं हो पा रहा तो मैं किसके पास जाऊं? मेरी सबसे बड़ी ताकत, आदमी चाहता है कि हम मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत करेंगे तो काम पूरा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री की शिकायत के बाद भी उनको सारी चीज़ें पता है। मैं एक बार नहीं कई बार इस काम के बारे में मिल चुकी हूँ, और कलेक्टर साहब से भी आप जब भी आप उनकी वाइट लो तो उनसे पूछना कि विधायक जी ने आपसे कितनी बार बोला। मैंने तो एक बार उनसे गोटिटोरिया में कार्यक्रम रखा था, उनसे बोला था कि आप जमाड़ा से बाढ़िया रोड आइए ताकि आपको पता चले कि इस रोड में लोगों को कितनी परेशानी हो रही, क्षेत्र के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी गवाह मैं हूँ कि मैं प्रशासन से इस बात की रोज शिकायत मेरे मन में रहती है, और मैं जब भी बात करती हूँ तो इसी बात को लेकर करती हूँ। अभी तो आपको बाढ़िया रोड दिख रहा है, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जहाँ पर लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, तो मैंने उन सारी रोडों का लिखकर भी दिया है। प्रशासन इस चीज़ पर मौन है कि जो ज्ञापन या कार्यक्रम होते रहते हैं प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। भाजपा सरकार में जितनी सुस्त सरकार मैंने देखी है कि उनके इतने बड़े कार्यकाल में 17 साल में तो क्षेत्र की छवि बदल जाना थी, लेकिन 17 साल के उनके कार्यकाल के बाद भी आज चुनाव होंगे तो वो इतनी बड़ाई करेंगे सरकार की कि उन्हें इतनी व्यवस्था करवा दी, लेकिन क्षेत्र परेशान है ये आपको दिख रहा है। मैं चाहती हूँ शासन प्रशासन उप मुख्यमंत्री से कि हमारी क्षेत्र की सड़कों की व्यवस्था जल्दी करवाएं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। चल रोल रोल कि WD अधिकारी अजीत पटेल जी, आज आप देख रहे हैं जो बारहाबंडा की रोड है उसकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा है, कितने लोग गांव के ज्ञापन देने आए, इतनी दुर्दशा आप कैसे देख सकते हैं? ये क्या है, ये रोड पहले पूर्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को उन्नयन के लिए सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने उस योजना में कोई काम नहीं होने के पिछले साल वापस वापस कर दी लोकनिर्माण विभाग को। अब ये लोकनिर्माण विभाग की किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है, इसको CRF में स्कीम में शामिल करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रमुख अभियंता महोदय को शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है।
इसकी अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जी। इस मार्ग के पैच रिपेयर के लिए टेंडर हो चुके हैं, कल टेंडर लाग की थी, एक दो दिन में टेंडर खुल जाने के बाद इसकी मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया। जो सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी है, किस ठेकेदार ने बनाई थी वो गारंटी, उसकी गारंटी खत्म हो गई क्या? उनके द्वारा नहीं बनाई थी, ये तो 2001 में लोक निर्माण विभाग द्वारा ही बनाई थी। क्या पेंच वर्क करने से समस्या दूर हो जाएगी सर? पेंच करने से रोड चलने लायक तो हो जाएगी, फिर बारिश होगी फिर गड्ढे हो जाएंगे। फिर कब का है सर बनाने का? नहीं सर सुना है कि प्रस्ताव भेज दिया, भेजा है कि स्वीकृति हो, स्वीकृति मिलना जो है या उसमें सेंटर रोड स्कीम में शामिल होना, ये शासन स्तर की बात है।